उत्तराखंड के रुड़की में पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस और भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। वहीं सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार को सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। 9 महीने के कार्यकाल में सूबे की सरकार ने बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए हैं। सीएम ने इस दौरान करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया, जिसमें खानपुर विधानसभा में पुल, सड़कें और रुड़की लक्सर के मार्ग का चौड़ीकरण के अलावा पुलिस चौकी को थाना बनाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि भारत में देवभूमि का अलग ही सम्मान है। उत्तराखंड को आज भी देश में बेहद सम्मान दिया जाता है। प्रदेश के विकास के कार्य को किसी भी अवरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि मार्च तक कुछ लोगों को आवास और बिजली कनेक्शन उपलब्ध सरकार कराएगी। अभी तक सरकार ने 32 गांव में बिजली दी है, अब बिना पैसे के लोगों को सरकार बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराएगी, तभी ये प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। सभी को इस प्रदेश के विकास में योगदान देना चाहिए। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से मिक्की जैदी की रिपोर्ट। देखिए, जहाँ तक सिद्धांतों की बात है तो भारत का संविधान दुनिया के उन संविधानों में है जिनमें सर्वाधिक अमेंडमेंट्स हैं, और इसीलिए भारत के संविधान को ये जन कल्याणकारी संविधान कहा जाता है। आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके, उसमें लचीलापन है, इसलिए दुनिया के अच्छे संविधानों में भारत की गणना होती है। अब हेगड़े जी ने किस परिप्रेक्ष्य में बोला वो चीज अलग है, और अगर ऐसा लगता है कोई ऐसी कोई बात है तो मुझे लगता है कि ये इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पर लोक निर्माण विभाग की कुछ सड़कों का लोकार्पण किया गया है, और कुछ मैंने यहाँ पर पेयजल से संबंधित योजनाओं की यहाँ पर घोषणा की है जो बहुत जल्दी यहाँ पर बनेगी, उनके आदेश किए।